आम जनता की जरूरत है दूध, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, ये हटा देना चाहिए सरकार ने, हमारी ये मांग है। नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं देश के संसद के कुछ सौ मीटर दूर जंतर मंतर पे, जहां देश के डेयरी फार्मर्स डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार ने दूध उत्पादों पे और जीएसटी लगाया है और उसके उपकरणों पर जिस तरह से जीएसटी लगाए, जिससे इनका कहना है जो दूध फार्मर के साथ साथ आम जनता के खिलाफ भी, इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी से बात करके समझने की कोशिश करें सरकार से वो क्या चाहते हैं और उनका आगे का रास्ता क्या होगा। हम लोग हरियाणा के जींद जिला से आए हैं और ये जो सरकार ने डेयरी उत्पादों के ऊपर और डेयरी उत्पादों के अंदर जो मशीनरी प्रयोग में लाई जाती है उसके ऊपर जो जीएसटी लगाने का जो फैसला किया है उसके विरोध में हम लोग आज पार्लियामेंट मार्च करने के लिए आए हैं। क्योंकि अगर इस तरह से डेयरी उत्पादों की जो मशीनरी है और उसकी जो उन पर अगर इस तरह से 12% से बढ़ाकर जो 18% का सरकार ने टैक्स किया है, इससे जो है दूध उत्पाद जो है वो बहुत महंगे होंगे और हरियाणा को जो पशु पालन की दृष्टि से नंबर एक पे देखा जाता है और दूध दही का प्रदेश कहा जाता है, हरियाणा के अंदर भी फसलों की लगातार खराबी की वजह से और पशुओं के अंदर भी ब्रीड की समस्या है उसकी वजह से भी लगातार पशुधन जो है वो महंगा होता जा रहा है। और इतने महंगे पशुधन के अंदर जब वो उसकी नस्ल में सुधार नहीं किया जा रहा, दूध कम हो रहा है और दूध उत्पादों के अंदर अगर बढ़ोतरी होगी, जो खरीदने की परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की लगातार खत्म हो रही है, उस परचेजिंग कैपेसिटी के अनुसार महंगे प्रोडक्ट्स खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो जीएसटी लगेगा इससे दूध उत्पादों के ऊपर असर पड़ेगा। दूध उत्पादन करने वाले जो हमारे भाई हैं, किसान हैं, हम हैं, हमारे को बाजार से पशुओं के लिए चारा, पशुओं के लिए अनाज, पशुओं के लिए खड़, चूरी, हरा चारा वगैरह, या जो पशु चारा बनाने के लिए या डेयरी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट उपकरण की जरूरत पड़ेगी उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया, इससे सारे के सारे दाम बहुत बड़ी तादाद में बढ़ जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी जो पैदा करने वाला है दूध का किसान, छोटा किसान, उसको आज भी दाम कम मिल रहे हैं, जो बिचौलिया है वो इसका मुनाफा ज्यादा कमा रहा है। ये कंपनियों का ज्यादातर व्यापार, जो ज्यादातर दूध से जुड़ी कंपनियां हैं उनका व्यापार देहात तक है। जब दूध के दाम इन पर जब पड़ेगा और ये पैक दूध महंगा मिलेगा और ये सारी चीज़ें महंगी होंगी, कंपटीशन पे ये कंपनियां जो है दूध के दाम गिरा देंगी और दूध के दाम गिरेंगे तो निश्चित रूप से किसान को जो है सस्ता दूध जो है बेचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जो उत्पादन का मूल्य है वो पूरा नहीं हो रहा आजकल जिस तरह के रेट है, ऊपर से ये लगाने से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी उत्पादन का मूल्य बढ़ जाएगा और बढ़ने की वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत किसानों को आएगी और उनको कुछ भी बचत नहीं होने वाली। हम पहले ही महंगाई से इतने पिस रहे हैं, ऊपर से चारा बहुत महंगा हो गया है और दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, इस तरीके से किसान को बचत नहीं हो रही है। तो हम फसल आधारित जो बना रहे हैं संगठन, इसी तरीके से जो डेयरी फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये एक अखिल भारतीय स्तर का बनाया है फेडरेशन मंच, जो कि डेयरी किसानों को हितों को बचाने के लिए और कोऑपरेटिव सिस्टम को मजबूत किए बिना इसका किसी भी तरीके से हमारा वायबिलिटी नहीं है, वहनीयता नहीं बन पर पड़ रही है। ये मांग उठाने के लिए जीएसटी वापस लो, कोऑपरेटिव सिस्टम को मजबूत करो, दूध और चारे के ऊपर हम कहते हैं हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए।